हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्रेडर्स बाजार। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू मास्टर ट्रेंड लाइन ब्रेक। दोस्तों, जब एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है तब दो तरह के ट्रेडर वहां पे वेट करते हैं, एक होते हैं ट्रेंड लाइन पुल बैक वाले और एक होते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक वाले। तो दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन पुल बैक वाले हैं वो तो ट्रेड लेते हैं कि मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन के पास आता है तब वो वहां से ट्रेड लेते हैं ट्रेंड लाइन से दूर की तरफ, और जो ट्रेंड लाइन ब्रेक वाले हैं वो वेट करते हैं कि मार्केट में जब ट्रेंड लाइन का ब्रेक आएगा तब हम उस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक वाले हैं उनके लिए ये वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा कि जब आप ट्रेंड लाइन के ब्रेक का वेट करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ट्रेंड लाइन का लाइव एग्जाम्पल लेंगे। लाइव तो क्या मतलब, ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हमें वेट करना है, कैसे हमें प्रिडिक्ट करना है कि हाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ गया है, वैलिड ब्रेक है या फिर नहीं है। वैलिड तो दोस्तों 100% कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हम एक मैक्सिमम परसेंट में मैक्सिमम चीज़ों का कंफर्मेशन लेके एक चीज़ पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे इस आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो रिलेटेड तो आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर और भी कोई प्राइस एक्शन रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने रिलायंस का 1 आवर का चार्ट खोल रखा है, इसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। दोस्तों, अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन है। अब दोस्तों, ट्रेंड लाइन के रूल के हिसाब से यहाँ पे विक कट रही है, मतलब कि बॉडी कट रही है, तो हमें वो ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं करनी है जहाँ पे बॉडी कट हो रही हो। लेकिन दोस्तों, हमें ट्रेंड लाइन के लिए मैक्सिमम 3 कन्फर्मेशन चाहिए होते हैं। अगर उन 3 कन्फर्मेशन के बीच में बॉडी कट हो रही है तो वहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है। 1, 2, 3, ये हमें 3 कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। 4th कन्फर्मेशन में दोस्तों एक फेक ब्रेकआउट की तरह बाहर निकला है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि हम ट्रेंड लाइन ब्रेक के लिए क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखो, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूअली चल रहा है। तो अगर हम ट्रेंड में देखें तो ट्रेंड में हम देखते हैं हायर हाइज, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज। तो दोस्तों ये देखो, मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट पे देखिए, मार्केट यहाँ पे हायर हाई नहीं बना सका। सबसे पहला कंफर्मेशन हमारा ये रहेगा कि मार्केट में ट्रेंड चेक, हमें मार्केट का ट्रेंड चेक करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देखने को मिला है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ दिखी है। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे हल्का सा मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट ट्रेंड क्या कर रहा है वहाँ पे। अगर ट्रेंड में हायर हाइज ब्रेक हो रहे हैं तो हमें वहाँ पे वेट करना है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अलर्ट हो जाना है क्योंकि यहाँ पे हायर हाइज ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, मार्केट में यहाँ एक सप्लाई जोन है। दोस्तों सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि कैसे सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। लेकिन दोस्तों सप्लाई डिमांड जोन मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ये एक सप्लाई जोन बन रहा था। सप्लाई जोन यानी कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, सेलर यहाँ एग्रेसिवली सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ मार्केट सप्लाई जोन के पास आया और मार्केट में हायर हाइज का फॉर्मेशन बनना बंद हो गया। 2 कन्फर्मेशन हमारे पास ये हो गए। तीसरे कन्फर्मेशन में अगर हम RSI चेक करें तो RSI में भी यहाँ पे लोअर लोस बनने लग गए थे। तो 3rd कन्फर्मेशन भी हमारे लिए ये हो गया। 4th कन्फर्मेशन में हम यूज़ करेंगे वीकली पाइवट्स। दोस्तों जैसे ही वीकली पाइवट का ब्रेक आता है हम यहाँ से नीचे की तरफ की ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक आया और वीकली पाइवट का भी ब्रेक आया। अब हम चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में। छोटी टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है, तो अगर छोटी टाइम फ्रेम में चलते हैं तो छोटी टाइम फ्रेम में भी मार्केट देखो अब यहाँ पे ऊपर नहीं जा सक रहा है। यहाँ पे मार्केट में वीकली पाइवट पॉइंट्स का भी ब्रेक आ चुका है। उसके बाद दोस्तों अब हमारे क्या थॉट प्रोसेस रहेगा उसको जानते हैं। सबसे पहले वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में दोस्तों जैसे ही यहाँ पे ब्रेक आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया और वीकली पाइवट पॉइंट का भी ब्रेक आया, और हम एक कन्फर्मेशन के लिए 50 MA का यूज़ करेंगे।
यहाँ पे देखो 50 MA का भी ब्रेक आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंफर्मेशन है। सबसे पहला तो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, सेकंड हमारे पास कंफर्मेशन है कि यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लाई जोन था, थर्ड हमारे पास कंफर्मेशन है कि यहाँ पे वीकली पाइवट पॉइंट का ब्रेक आ चुका है। दोस्तों वीकली पाइवट पॉइंट का ब्रेक यहाँ पे भी आया था, लेकिन यहाँ देख सकते हो ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं आया। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेक के साथ साथ वीकली पाइवट पॉइंट का ब्रेक और MA का भी ब्रेक आ चुका है, तो उस केस में हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अब हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, अगर हम प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड देखें तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे और हमारा ये सप्लाई जोन है यहाँ तक का SL रहेगा, और उसके बाद हमारा टारगेट देखें तो सबसे यहाँ पे जो ये ट्रेंड ओरिजिन है, ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था यानी कि जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी वहाँ तक का टारगेट रहेगा। और आप देखो यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया, अगर इसको रिस्क रिवॉर्ड में आप देखो तो 3.58 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिलायंस में यहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें प्रिटेंड करना, हर ट्रेंड लाइन का ब्रेक ऐसे नहीं आएगा, लेकिन हमें कंफर्मेशन कैसे लेने हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे हम छोटे छोटे कंफर्मेशन ले सकते हैं मार्केट में, अगर कहीं और ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही हो तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट में प्राइस एक्शन को ही देखना है, उसके बाद हमें इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड लेनी है। अब दोस्तों सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, अब दोस्तों यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। इस केस में हम क्या देखते हैं, मार्केट में ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, ये पॉइंट। तो यहां पे आप देख सकते हो मार्केट सबसे पहले ट्रेंड चेक करेंगे, यहां पे देखो वापस हायर हाइज मतलब बना हायर हाई बना नहीं सका था, लेकिन यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं आया और उसके बाद उसने हाई बनाया, और उसके बाद जब यहाँ पे हाई बनाने गया तब यहाँ मार्केट फेल हो चुका था। तो इस केस में अगर आप देखो तो ट्रेंड फेलियर हो चुका है, ऊपर से हमें सप्लाई जोन भी दिख गया है कि यहाँ पे मार्केट में सप्लाई जोन है, तो मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद हम अगर वीकली पाइवट देखें तो ओके, पाइवट एक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक, कि इसकी सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। नंबर ऑफ वीक बैक्स 90 डेज, ओके। यहाँ पे आप वीकली पाइवट देखो, इस कैंडल ने वीकली पाइवट को भी ब्रेक कर दिया, और यानी कि ये नीचे ही खुली है लेकिन इसको आप ब्रेक मान सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक आ चुका है, और उसके बाद अगर आप 50 EMA लगा के देखते हो तो EMA के भी मार्केट नीचे क्लोज हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो, हमें कंफर्मेशन यहाँ पे देखो बहुत सारे दिख चुके हैं, और सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखो मार्केट हायर राइज बना रहा था, मार्केट का ट्रेंड ऊपर था, लेकिन यहाँ पे RSI में हमें डाइवर्जेंस दिख रहा था। दोस्तों अगर आपको डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मार्केट में डाइवर्जेंस दिख गया था, तो एक कन्फर्मेशन डाइवर्जेंस हो गया, दूसरा कन्फर्मेशन हमारा हो गया कि ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाया, थर्ड कंफर्मेशन हो गया हमारा कि हमें सप्लाई जोन के पास मार्केट दिख रहा है, फोर्थ कंफर्मेशन हमारा हो गया कि मार्केट में पाइवट ब्रेक हो चुका है, और फिफ्थ कंफर्मेशन हमारा हो गया कि मार्केट में मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया 50 EMA को। 50 EMA बहुत इंपॉर्टेंट EMA होता है, तो उस केस में आप उसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट टारगेट कहां तक रखना है, तो दोस्तों हम सप्लाई जोन तक हमारा टारगेट रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हमारे लिए ये होगा, इसको हम ग्रीन से कर लेते हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन हमारे लिए ये होगा, क्योंकि यहां से भी हमें मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। और या फिर आप सप्लाई जोन इसको यहां तक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर सेफ करना चाहते हो तो सेफ हमें यहां ये वाला सप्लाई जोन लेना है मार्केट में सेफ, क्योंकि मार्केट में इस पॉइंट से बहुत अच्छा बुलिश मूव हमें दिख रहा है।
बाकी अगर आप देखो तो ये सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो हमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनाते हैं तो हमारा कुछ रिस्क रिवॉर्ड ऐसा बनेगा, ये हमारे ब्रेक और रिटेस्ट पे हमारी एंट्री होगी। एक कंफर्मेशन और मिल गया दोस्तों ब्रेक और रिटेस्ट का, और हमारा SL रहेगा यहाँ पिवट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, और हमारा टारगेट रहेगा मैक्स या नीचे वाले सप्लाई जोन तक, क्योंकि सप्लाई जोन से मार्केट के उठने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में भी आप देख सकते हो 1:2 का हमें टारगेट मिल चुका है, या फिर अगर आप थोड़ी सी रिस्की एंट्री लेते तो आप इस कैंडल के ब्रेक पे एंट्री ले सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ 5 कन्फर्मेशन मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हमें 1:3.93 तक का टारगेट देखने को मिला। और अगर आप इसको यहाँ सप्लाई जोन के एंड तक भी लो तो भी आपको 1:4.49 तक का टारगेट देखने को मिल चुका है। दोस्तों आप प्राइस एक्शन के बेस पे अगर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। इंडिकेटर दोस्तों आप कंफर्मेशन के लिए लो, मेन आप प्राइस एक्शन पे काम करो। दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस हिसाब से काम करते हो तो बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ट्रेंड लाइन पुल बैक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या सोच करके क्या क्या चीज़ें देख करके ट्रेंड लाइन पुल बैक पे ट्रेड ले सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो, मैंने जो चीज़ें समझाई हो, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8764855487। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ, प्राइस एक्शन के। थैंक यू।